साथियों, आज है 14 अप्रैल और आज है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती। आज उनके इस जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कौन नहीं जानता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, पूरा जहां जानता है उनके बारे में। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत को देने का काम किया है। उनकी शिक्षा कैसे हुई ये सभी लोग जानते हैं, किस परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई किया ये भी सब लोग जानते हैं। उनका जन्म साथियों 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, वे ब्रिटिश सेना में सूबेदार रैंक पर थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उस समय भारत में बहुत ही छुआछूत का माहौल बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन चूंकि उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे तो उनको पढ़ाई लिखाई में स्कूल में एडमिशन मिल गया। हालांकि स्कूल से बाहर रह करके पढ़ाई करना पड़ा, लेकिन स्कूल में एडमिशन मिल गया। साथ ही उन्होंने शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, जिनमें 3 PhD थे, और इसीलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। जी हाँ, सिंबल ऑफ नॉलेज। उन्होंने भारत का संविधान निर्माण करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया और फाइनली दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत को देने का काम किया। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने महिलाओं के लिए कई बड़े काम किए। अगर महिलाओं के काम मैं गिनाऊं तो एक सेपरेट वीडियो में करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। महिलाओं की शिक्षा हो या महिलाओं की सामाजिक स्थिति हो, इन सब पर उन्होंने काम किया। उन्होंने एक भारत के लोगों के लिए एक मूल मंत्र, एक नहीं बल्कि 3 मूल मंत्र दिया, और उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी अगर आप शिक्षित बनेंगे उसके बाद संगठित भी रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही उनका पढ़ाई लिखाई से बहुत खास नाता रहा। चूंकि मैं भी एक शिक्षक हूं तो मुझे भी लगता है कि एजुकेशन हर तरीके से इंसान को मजबूत बनाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि पैरों में जूती हो या ना हो, हाथों में किताब होना चाहिए। आप चाहे जिस भी अवस्था में हो, गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस पढ़ाई कीजिए। आप अगर मजदूर भी हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अगर स्टूडेंट हो, काम करके भी पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसीलिए उन्होंने एक लाइन भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों, ये बात 100% सत्य है कि शिक्षा में वो पावर है, वो गुण है कि आपको जमीन से लेकर के आसमान तक का सैर कराएगा। वो पावर है शिक्षा। तो शिक्षा को कभी कम मत आंकिए, हमेशा जो है शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये कहें कि वो शिक्षा को प्रथम स्थान पर रखें, बाकी अन्य चीजों को वो दूसरे स्थान पर रखें। साथियों, मजे की बात है, सोचिए कि वो किताबों से कितना प्रेम करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1 साल में 16,000 किताबें वे पढ़ा करते थे। उनकी लाइब्रेरी जो थी उसमें 50,000 किताबें हुआ करती थी। आसान है क्या 50,000? नहीं है। आम आदमी के लिए सोच करके भी दंग लगता है कि 1 साल में 16,000 किताबें, बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं भी चाहता हूं कि हमारे आसपास के जो भी बच्चे हैं वो शिक्षा की ओर आगे बढ़े, शिक्षित बने, और हम सब मिलजुल कर हमारे अपने आसपास के क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम जो है कि एक सही स्थान पर लेके जाएं, एक समाज में सही स्थान बना पाए जहां पर पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो सके। इन्हीं सब आशा और उम्मीद के साथ आप सबों को जय भीम, जय संविधान और जय भारत लेता हूं आपसे विदा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।